आइए भाई क्लास को शुरू करते हैं। जो लोग भी क्लास में हैं एक बार मुझे कंफर्म करें कि आप लोगों को मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं, आवाज़ आ रही है कि नहीं। जो लोग भी क्लास में हैं एक बार मुझे बताएंगे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में हम लोग पॉलीमर और पॉलीमर से रिलेटेड साइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर है मुझे लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमरीश गुड आफ्टरनून, रजाउल वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, अपूर्वा नैन्सी, फाइन। चलिए तो बिफोर टू स्टार्ट द क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू यू ऑल वेलकम यू ऑल ऑन लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में स्वागत है। ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको अच्छे एजुकेटर्स बहुत ही कम फीस में मिलते हैं। सो ट्राई टू गेट द अपॉर्चुनिटी, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। माई सेल्फ विनय त्रिपाठी एंड आई हैव डन एमएससी इन केमिस्ट्री, आई हैव 10 year+ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो आप हमारे साथ पढ़ करके बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। गौरव अग्निहोत्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, गुड आफ्टरनून। काफ़ी दिनों के बाद आप क्लास में आ रहे हैं, कैसे हैं? देखिए, जो लोग यूपीपीएससी 2020 मेंस या 2021 प्री कम मेंस टारगेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली हमारे साथ समय दें। मैं आपसे आपको आत्मविश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप यदि हमारे साथ पढ़ते हैं तो अगले कुछ महीनों में आप अच्छी तैयारी करेंगे विद आंसर राइटिंग। कैसे पढ़ेंगे आप हमारे साथ? लाइव क्लास करेंगे दिन में 1 बजे, दिन में 1 बजे आप हमारे साथ यूट्यूब पर पढ़ेंगे। ये हमारा साइंस का मॉड्यूल चल रहा है, इस महीने हम साइंस की आपकी टेंशन पूरी तरीके से दूर कर देंगे। अभी केमिस्ट्री का मॉड्यूल चल रहा है, इसके बाद बायोलॉजी शुरू करेंगे और लास्ट में फिजिक्स। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो साइंस के कंटेंट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है, इस वजह से आप टेंशन ना लीजिए। पेपर का लेवल कुछ भी बना दिया जाए, डिफिकल्टी लेवल हाईएस्ट लेवल तक का सवाल आपसे यदि पूछ लिया जाए किसी भी स्टेट पीसीएस के अंदर, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, मतलब यू मस्ट बी एग्री विद दैट कि एनसीईआरटी से ऊपर कहीं कोई सवाल बनता नहीं। और एनसीईआरटी भी हमने क्लास 12th लेवल तक के एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के बन सकते हैं वो कवर कर लिए हैं। आफ्टर दैट आज ही शाम से आप हमारे साथ 6 बजे स्पेशल क्लासेस पढ़ना शुरू कर देंगे। स्पेशल क्लास पढ़ेंगे शाम को 6 बजे, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री अगले 8 से 9 लेक्चर में बहुत अच्छे से आपकी फिनिश होगी। सो ट्राई टू कंटिन्यू द क्लास। आफ्टर दैट आप हमारा प्लस कोर्स दिवाली के बाद में मैं शुरू करूंगा, तो प्लस कोर्स पर हम इस महीने इंडियन सोसाइटी कवर करेंगे। एनी हाउ जो लोग अभी तक प्लस पे नहीं है वो आप 8 दिवाली से पहले आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कैसे अपन अकेडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, आपको फीस बताई जाती है अभी तक 7,000 जो फी है, उसमें भी 10% आपका डिस्काउंट होगा। VKT10 ये हमारा रेफरल कोड है, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट के साथ आप 6,300 में एडमिशन ले सकते हैं। और 2 साल के लिए आपको चाहिए तो 8,400 फीस होती है 2 साल की, और यहाँ पर आप 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 साल के लिए आप सब्सक्राइब करें और आराम से हमारे साथ 8 से 10 महीने में आपको ऐसा फील हो जाएगा कि सर अब बिल्कुल आप तैयार हैं, एग्जाम आयोग एग्जाम कराए और आप एग्जाम दे देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए एक भी मिनट। अंजू, गौरव, दिवाकर, यतेंद्र जी, पूनम जी, गौरव जी, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। आज की इस क्लास से पहले तो आप एक बात नोट करके कहीं रख लीजिए कि कम से कम किसी भी पीसीएस की परीक्षा में, किसी भी पीसीएस की परीक्षा में 2 क्वेश्चन, आईएएस की परीक्षा में 1 क्वेश्चन, सीडीएस सीएपीएफ की परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन, UP SSSC की परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म है कि ये 100% है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैं बात करूं साइंस की तो उसमें पॉलीमर और फ्यूल दोनों ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका महत्व आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर कभी सॉल्व किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीएससी एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीएससी एग्जाम। देखिए जरा शुरू करते हैं। हाँ हाय पूनम, शुरू करते हैं। सभी लोग पेन एंड पेपर लेके रेडी हैं पूरे पूरे एनर्जी के साथ, आधे अधूरे मन से नहीं, ना ही ये देखने की देखें क्या पढ़ाते हैं, पढ़ना है तो पूरे मन से, नहीं तो अभी लीव करो जाओ, कोई जरूरत नहीं।
पूरे 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे से 2-4 मिनट ज्यादा भी लग सकता है, पेशेंस बना के रखिएगा। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखूंगा क्योंकि स्लाइड्स ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है करने का मतलब है, तो आपको थोड़ा स्पीड में मैं चलूंगा, ना समझ में आप पूछ लेना। कहा जा रहा है कि द वर्ड पॉलीमर इज क्वाइंड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पॉली एंड मेनी एंड मर्स मीन्स यूनिट्स। मतलब कहने का क्या है कि मर जो है इसका मतलब है यूनिट, MER का मतलब है यूनिट, MER का मतलब है यूनिट, और पॉली का मतलब है मेनी। अब इसको थोड़ा और समझिए, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, और डाई का मतलब होता है टू, और पॉली का मतलब होता है मेनी। इसका मतलब यह है कि यदि हम ऐसे लिख दें मोनोमर, मोनोमर तो मोनोमर का मतलब हो गया वन यूनिट, एक इकाई, और यदि हम लिख दें डाई, डाईमर इसका मतलब हो गया दो इकाई, दो यूनिट, और यदि हमने लिख दिया पॉलीमर तो इसका मतलब हो गया बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारी इकाइयां हैं। गेटिंग द पॉइंट? बिल्कुल ऐसे समझिए, आप ध्यान से समझिएगा कि जिस घर में आप बैठे हैं उस घर की दीवार यदि ईंटें से बनी हुई है तो पहले एक ईंट रखा गया होगा, फिर दूसरा ईंट, फिर तीसरा ईंट, फिर चौथा ईंट, फिर पांचवा ईंट, छठवा ईंट, सातवां ईंट, आठवां ईंट, ऐसे एक ईंट के ऊपर दूसरे ईंट जोड़ते चले गए और एक पूरी दीवार बन करके तैयार हो गई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यह दीवार क्या है, तो इन ईंटों का पॉलीमर है, इन ईंटों का पॉलीमर यानी कि इन ईंटों का बहुलक है। और यदि पूछा जाए कि इस दीवार का मोनोमर कौन है, इसकी एक यूनिट कौन है, तो आंसर होगा कि एक सिंगल ईंट जो है वह इसकी एक इकाई है। तो मुझे एक बार कंफर्म करिए कि एक इकाई और उसकी बहुत सारी इकाइयों से जो हम बहुलक बना रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कंफर्म करिए, आगे बढ़ते रहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स यानी कि जो बहुलक बनने की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स यानी कि जो बहुलक बनने की प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन या फिर बहुलकीकरण। बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। मैंने कहा कि जो बहुलक बनने की प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, ये इथीन है, ETHENE इथीन है, एक यूनिट है इथीन है, एक यूनिट है इथीन है, इसी में आपने दो यूनिट जोड़ा तो दो इथीन जोड़ेगा, इसी में आपने बहुत सारे यूनिट जोड़ दिया तो ये पॉलीथीन बन जाएगा, पॉलीथीन। तो जो पॉलीथीन बना, ये जिस मेथड से बना, जिस प्रोसेस से बना, उस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो मुझे आप लोग कंफर्म करते रहेंगे, कहीं कोई डाउट होता है आप जरूर पूछेंगे, क्योंकि बिना पूछे आपका काम नहीं चलेगा, जरूर आप पूछेंगे इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, इतना क्लियर हो रहा आप लोगों को? एक बार मुझे कंफर्म करिए कि पॉलीमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, मोनोमर क्या है, ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से। ठीक है, यदि समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, अब हम बात करते हैं इसके बहुलकीकरण पर, अब हम बात करते हैं इसके बहुलकीकरण पर कि क्या है क्लासिफिकेशन, बहुलकों का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि यदि आप किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हो तो किस आधार पर करते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है कि आप किसी चीज का बहुलकीकरण करते हैं तो किस आधार पर करते हैं। तो अब हम इन बहुलकों का जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, तो देखिए जरा, सबसे पहली बात कही जा रही है कि स्रोतों के आधार पर, मतलब कि सोर्स क्या रहे हैं उनके, उसके आधार पर। अब यहां पर सोर्स के आधार पर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, प्राकृतिक प्राकृतिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स। कहा जा रहा है कि दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि ये जो पॉलीमर्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, ये जो पॉलीमर्स हैं वो पाए जाएंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में। एग्जाम्पल ले लीजिए, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, प्रमोद चौरसिया जी वेरी गुड आफ्टरनून, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रोटीन क्या होते हैं, स्टार्च क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, ये सब क्या है, कहाँ पाए जा रहे हैं, या तो प्लांट में या तो एनिमल में। तो प्रोटीन्स, सेलुलोज, स्टार्च, सम रेजिन्स, रबर, ये सब क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलक हैं। दूसरा हमने कहा कि सेमी सिंथेटिक, क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं बहुलकों का, वर्गीकरण कर रहे हैं, पहला उनकी प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, दूसरा हम कह रहे हैं कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब हुआ अर्ध संश्लेषित बहुलक, इट मींस कि
जिसको हमने आधे तरीके से सिंथेसाइज किया है, मतलब कि कुछ हमने प्रकृति से लिया है और कुछ हमने आर्टिफिशियल चीजों को ऐड किया है और क्या कर दिया, इसको सिंथेसाइज कर दिया है। तो सेलुलोज कहाँ मिल रहा है हमको? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, पेड़ पौधों की पत्तियों में मिल रहा है, कॉटन में मिल रहा है, जो तमाम ऐसी चीजें हैं वो उन सब में क्या मिल रहा है? सेलुलोज मिल रहा है। और रेयॉन जिसे आप कह रहे हैं, एसीटेट, जब इसमें आपने जोड़ दिया सेलुलोज एसीटेट आपने जोड़ दिया तब ये रेयॉन बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि एसीटेट हमने लेबोरेटरी में जोड़ा, तो सेलुलोज के साथ जब एसीटेट को मिक्स करके हमने कंपाउंड बनाया और उसको हमने नाम दे दिया रेयॉन, तो ये हमने कहा कि यह सेमी सिंथेटिक है, यानी कि अर्ध संश्लेषित है, हमने इसको लेबोरेटरी में क्या किया है, बनाया है, लेकिन आधा नेचुरल और आधा आर्टिफिशियल। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है जैसे सेलुलोज नाइट्रेट का है, तो याद रखिएगा सेलुलोज एसीटेट हो गया, सेलुलोज नाइट्रेट हो गया, इस तरीके से जो हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अर्ध संश्लेषित कहते हैं। आगे बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर, पूरी तरीके से हम इसको क्या करेंगे? संश्लेषित करेंगे फैक्ट्रियों में। अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या किसी भी प्रकार का प्लास्टिक प्रकृति पैदा करती है? क्या किसी भी प्रकार का प्लास्टिक प्रकृति पैदा करती है? आंसर होगा नहीं, प्लास्टिक हम खुद बनाते हैं। क्या कोई भी फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर है जैसे नायलान वगैरह, नायलान 6/6 है, बुना एस है, सिंथेटिक रबड़, ये सब प्रकृति पैदा नहीं करती है, पूरी तरीके से हम क्या करते हैं? बनाते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वी कैन क्लासिफाई द पॉलीमर्स इनटू मेनली थ्री कैटेगरीज। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज हमने बोला आपसे? एक सेमी सिंथेटिक, एक सिंथेटिक हमने बोला, और एक आपको हमने नेचुरल पॉलीमर बोल दिया। तीनों के एग्जाम्पल और तीनों का मीनिंग ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी संरचना के आधार पर इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? भाई एक बात और भी है, यदि कहीं भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है सर, परेशानी हो रही है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं स्पीड स्लो कर लूँगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन आपके कमेंट आने चाहिए मुझे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, संरचना के आधार पर हम लोग पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं कि इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले लीनियर पॉलीमर्स, लीनियर पॉलीमर्स यानी रेखीय जो पॉलीमर है उनकी बातें करेंगे। कहा जा रहा है कि इन पॉलीमर में लंबी और सीधी जंजीरें होती हैं, यानी कि चेन जो बनेगा वो स्ट्रेट होगा बिल्कुल। जैसे हमने इस तरीके से किसी पॉलीमर को, किसी यूनिट्स को जोड़ते हम चले गए, एक सीधी रेखा में चेन बन गई, इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेट चेन वाले पॉलीमर्स होते हैं या लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये बनी हुई है चेन, एक ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, ये क्या है? ये स्ट्रेट चेन वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखिए इनका। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि जो HDPE होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, ये एग्जाम्पल है किसका? लीनियर पॉलीमर का। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC, जो आपके घरों में पानी को निकालने के लिए या पानी को फ्लो कराने के लिए पाइप यूज होती है, जिसे हम PVC पाइप कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक सीधी रेखा में होती हैं, इसमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, तो ये सब एग्जाम्पल है किसके? लीनियर पॉलीमर के। आगे बढ़ते हैं, ब्रांच्ड चेन शाखा श्रृंखला पॉलीमर, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि ये आपके सीधे चेन वाले पॉलीमर्स हैं। अब इन्हीं में आप क्या करो, जगह जगह से ब्रांचिंग कर दो, ब्रांचिंग मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अणुओं की शाखाएं जोड़ दी गई, तो अब इनको हम क्या कह देंगे? ये ब्रांच्ड वाले पॉलीमर हैं, ब्रांच्ड वाले पॉलीमर हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? देखिए एक लीनियर चेन होगा और हैविंग सम ब्रांचेज होगा। बेस्ट एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब यहाँ पर देखिए सवाल कैसे पूछा जाएगा कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर है या ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है? तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर है और लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है, राइट? इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना है। अब आ जाइए क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, बड़ा ही आसान है भाई, बड़ा ही आसान है। कैसे? समझिए, ये सिंगल पॉलीमर है, स्ट्रेट चेन वाले पॉलीमर है। अब इसी में क्या कर दीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, इसी में क्या कर दीजिए आप, इसी में इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग कर दीजिए, मॉलिक्यूल्स की क्रॉस लिंकिंग कर दीजिए, तो इसको आपने नाम दे दिया क्रॉस लिंक। अब मुझे बताइए, जरा सोच समझ के बताइएगा कि एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है इस तरीके से, और इसको नाम दे दिया ए, और एक क्रॉस लिंक्ड है जिसको नाम दे दिया बी। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, मजबूती कहां पर ज्यादा आ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर आपने क्रॉस लिंकिंग कर दी है यहां पर मजबूती ज्यादा आ जाएगी, तुलनात्मक तरीके से,
तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर एग्जांपल होगा बेकेलाइट। आपके घरों में जितना भी इलेक्ट्रिक इंसुलेशन का काम हुआ, जो बोर्ड बने हैं, जो स्विच बने हैं, जो टेलीविजन का जो कैबिनेट बना हुआ है, जो फ्रिज का कैबिनेट बना हुआ है, मतलब जो वॉशिंग मशीन का कैबिनेट बना हुआ है, ऐसी चीजें जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रही है उस किसी न किसी पार्ट में और उसको इंसुलेट किया गया किसी चीज से, मोस्टली वो हम किससे बनाते हैं, बेकेलाइट से बनाते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि बेकेलाइट किससे बना हुआ है और मेलामिन वगैरह ये सब जो है आपके क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर के एग्जाम्पल है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्रॉस लिंकिंग क्या होती है, स्ट्रेट चेन के अंदर हमने क्रॉस लिंक कर दिया, जोड़ दिया बिल्कुल, इसी में यदि हम ब्रांचिंग कर देते तो ये ब्रांच्ड हो जाता और सीधे सीधे रहेगा तो ये स्ट्रेट चेन वाला या फिर लीनियर पॉलीमर कहलाएगा। कंफर्म करिए यहां तक कोई डाउट है किसी को, या फिर आगे बढ़ा जाए, कंफर्म करेंगे जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, देखो सोर्स के आधार पर हमने क्लासिफाई कर लिया, हमने उनकी चेन स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफाई कर लिया। अब हम जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरीके से उनको पॉलीमराइज किया गया है, यानी कि बहुलकीकरण का क्या मोड रहा है, इसके आधार पर उनको हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो किस तरीके के पॉलीमर हैं। अब इसमें सबसे पहली बात निकल के आ रही है एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, ठीक है। क्या है एडिशन पॉलीमर, देखिए एडिशन पॉलीमर से नाम से क्लियर है कि हम जब ऐड करके कोई चीज पॉलीमर, मतलब पॉलीमराइजेशन कैसे किया, एक यूनिट उठाया दूसरा यूनिट उठाया दोनों को ऐड कर दिया, एडिशन पॉलीमर का निर्माण होगा। पॉलीथेन, टेफलान, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब आपके एडिशन पॉलीमर कहे जाएंगे। हो सकता है कि यही एग्जाम्पल आपको पीछे सिंथेटिक में मिले, सेमी सिंथेटिक में मिले, कहीं पर भी मिले, लेकिन जब मोड के आधार पर पूछ देगा तो यहां पर आप उनको याद रखिएगा कि एडिशन पॉलीमर कहलाते हैं। अच्छा कंडेंसेशन, मतलब जब इनको हम कंडेंस करके बनाते हैं तब ये कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाते हैं, जैसे कि नायलॉन 6,6 हो गया आपका, ये पेरिलीन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब आपके कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल मॉलिकुलर फोर्सेस के आधार पर, मॉलिकुलर फोर्सेस के आधार पर यानी कि जो आणविक बल हैं उनके आधार पर, कैसे, इलास्टोमर, इलास्टोमर दीज आर रबर लाइक सॉलिड वीक इंट्रैक्शन फोर्सेस एंड प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल रबर। जैसे आप रबर को खींचना शुरू करोगे कुछ जितनी उसमें इलास्टिसिटी होगी उस हिसाब से उतना फैलेगा, आफ्टर दैट खींचोगे टूट जाएगा, है ना। तो जहां पर आप याद रखिएगा जहां पर वीक इंट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टोमर्स होते हैं। और उसके बाद से हमने कहा फाइबर्स, फाइबर्स तो फाइबर्स क्या है, स्ट्रांग टफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, जैसे नाइलॉन। अब मैं आपसे बोलूं कि टायर जो है आपके साइकिल मोटरसाइकिल का गाड़ियों का, टायर में से एक धागा निकालो, रेशा निकालो और उसको तोड़ना शुरू करो तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन द थ्रेड ऑफ द ट्यूब आर टायर्स एज कंपेरिजन टू द रबर। इज दैट क्लियर और नॉट, बात समझ में आ रही है कि रबर की तुलना में यदि हम बात करें फाइबर्स की, नायलॉन की, तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी और वहां पर कम मिलेगी। तो इस आधार पर हम बांट सकते हैं इलास्टोमर और फाइबर्स। तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिए कि एग्जाम के अंदर नया क्वेश्चन बने और पॉलीमर की क्लासिफिकेशन से सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि नायलॉन 6,6 क्या है, इलास्टोमर है, फाइबर है और सिंथेटिक है, मतलब सेमी सिंथेटिक है या फिर नेचुरल है, तो आर यू एबल टू क्लासिफाई द थिंग्स, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी आधार पर थर्मोप्लास्टिक देख लीजिए, दीज हैव इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कहने का क्या है कि एक में जिसमें वीक है उसको इलास्टोमर और जिसमें स्ट्रांग है उसको फाइबर, और जिसमें बीच वाली स्थिति है इंटरेक्शन फोर्स की, अणुओं के बीच में लगने वाले अंतरणविक बल की स्थिति जो है मध्यवर्ती है, उसको आप नाम दे रहे हैं थर्मोप्लास्टिक, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीविनाइल क्लोराइड। मैं कल भी कह रहा था आज फिर कह रहा हूं, जो लोग हमारी क्लास ये करने के बाद केवल 15 मिनट का टाइम दे देंगे, केवल 15 मिनट का एक टेबल बना लेंगे छोटा सा, उनके लिए वह टेबल उनके एग्जाम में काम आएगा और ये कॉन्सेप्ट जो समझा रहे हैं ये आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। जो लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक बार पढ़ लिया तो हो गया, एक बार पढ़ के यदि सिलेक्शन होता तो आप समझिए कि जब रिजल्ट आता तो सबका ही हो जाता, क्योंकि एक बार तो सभी लोग पढ़े रहते हैं जो थोड़ा बहुत भी सीरियस होते हैं एग्जाम को लेकर के, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या कह रहा है कि दीज पॉलीमर्स ग्रेटली इंप्रूव द मेटेरियल्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये जो ऐसे पॉलीमर्स हैं जो मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, यानी कि उसके यांत्रिक गुणों को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इट प्रोवाइड्स
इनहांस्ड केमिकल एंड हीट रेजिस्टेंस, जैसे बहुत सारे। अच्छा, आपने आप लोगों ने कभी फाइबर की प्लेटें यूज की हैं अपने घरों में, जो खाने पीने के लिए बर्तन यूज करते हैं, फाइबर की प्लेट आपने कभी यूज करी है? डेफिनेटली किया होगा, किया ही होगा, मुझे कंफर्म है कि किया होगा आप लोगों ने। कई बार आपने नोटिस किया होगा कुछ फाइबर की प्लेट पर, प्लेट को आप बहुत ही गर्म कढ़ाई पर, गर्म कुकर पर आप रख देते हैं कई बार, लेकिन वो जलता नहीं है, मतलब तुरंत हीट से जल नहीं जाता है, मतलब उसके अंदर हीट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये तब होता है जब वो, उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर के रूप में डेवलप कर लेते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर का एक गुण होता है उसके अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो आप, फिनोलिक्स हो गया आपका, इपॉक्सिसेस हो गए, फिर सिलिकॉन्स हो गया, सिलिकॉन का बहुत ज्यादा यूज है डेली लाइफ में। आपको याद रखना है कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। हमने तीन आधारों पर देख लिया क्लासिफिकेशन, एक और आधार है उसको भी देख लीजिए, ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के आधार पर जो आप वर्गीकरण करते हैं। तो द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर नाउडेज आल्सो रिफर्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि चेन ग्रोथ पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं कि या तो ये एडिशन पॉलीमर्स होते हैं या तो फिर ये कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, एंड वन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। बस इतनी याद रखना और कुछ भी नहीं। अब आ जाते हैं कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलीमर की संरचना कैसी, इस पर बात करते हैं थोड़ी देर। देखो भाई, आज पॉलीमर आपको पढ़ना है और फ्यूल पढ़ना है, तो परेशान मत होइएगा, आराम से पढ़ते रहिए। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ हाइड्रोकार्बन बैकबोन। आप सभी लोगों को याद होगा डियर ऑल, कि जब भी मैं बात करता हूं कि यदि ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं, प्राकृतिक उत्पाद हैं, या पॉलीमर्स हैं और सेमी सिंथेटिक हैं या सिंथेटिक हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंस आर ऑर्गेनिक इन नेचर। कैसे हैं वो? ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है। अच्छा, कार्बनिक है तो कार्बनिक के अंदर मेनली क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। तो जो हाइड्रोकार्बन होगा ना, ये बैकबोन जैसी स्थिति में होगा, मतलब कि जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका मेनली उसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। उसके बाद हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो जो एलिमेंट ऐड करते चले जाएंगे वो हमारे लिए काम आएंगे। लेकिन यदि आपसे कोई सवाल पूछ दे कि मोस्टली जो पॉलीमर्स हैं वो किससे बने होते हैं, तो यू विल हैव टू आंसर इन अ सिंगल वर्ड, दैट इज हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही बात? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन बैकबोन बीइंग अ लॉन्ग चेन ऑफ लिंक्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स पॉसिबल ड्यू टू द टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ द कार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ द कार्बन, लेट मी एक्सप्लेन यू। कार्बन जो होता है, इसकी जो परमाणु क्रमांक होती है वो 6 होती है, बचपन से पढ़ा होगा क्लास 6 से। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो 2 और 4, मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। आप सभी लोगों को पता होता है कि जब भी कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ बंध बनाता है, बॉन्डिंग करता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही बॉन्ड करते हैं। मतलब कार्बन जब भी किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन उसकी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो या तो कार्बन इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाएगा चारों तरफ सिंगल सिंगल कोवेलेंट नेचर का, या तो फिर 2 तरफ डबल डबल बना लेगा, या तो फिर एक तरफ ट्रिपल और एक तरफ सिंगल बना लेगा। दिस इज द पॉसिबल कंडीशन, या फिर एक तरफ ऐसे बना लेगा डबल और 2 तरफ सिंगल बना लेगा। इसी नेचर को हम क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ द कार्बन, या कार्बन का टेट्रावेलेंट ही याद रखिएगा, हिंदी नहीं याद आ रही मुझे, टेट्रावेलेंट याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब 4 तरीके से बॉन्ड बनाने का जो इसका कॉन्सेप्ट है ये है। तो इसी के कारण ये हाइड्रोजन से बहुत तेजी से जुड़ जाता है, और आपस में कैटिनेशन की भी प्रॉपर्टी होती है कार्बन के अंदर, कार्बन कार्बन से बहुत तेजी जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बैकबोन पॉलीमर्स आर पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीब्यूटाइलीन है, पॉलीस्टाइरीन है। इन सब का जो मेन स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोकार्बन है, और उसके बाद चीजें जुड़ती हैं। आगे कहा जा रहा है कि आल्सो देयर आर पॉलीमर्स व्हिच इंस्टीड ऑफ कार्बन हैव अदर एलिमेंट्स इन इट्स बैकबोन। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी पॉलीमर्स आपको मिलेंगे जिसमें बैकबोन के अंदर कार्बन की जगह पर एक आध दूसरे एलिमेंट भी मिल जाएंगे, जैसे कि नायलॉन है विच कंटेन्स नाइट्रोजन एटम। याद रखिएगा, कई बार ऐसा होगा कि कार्बन की जगह पर आपको एक आध दूसरे एलिमेंट भी मिलेंगे, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि नायलॉन, और यहाँ नायलॉन में के अंदर क्या मिल रहा है? कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन मिल रहा है। तो हमने क्या कहा? मोस्टली पॉलीमर के अंदर हाइड्रोकार्बन की बैकबोन है, 100% नहीं बोला, मोस्टली बोला है, ठीक है ना, याद रखिएगा।
अब देखो यदि ओनली वर्ड यूज कर लिया जाए कि द पॉलीमर्स आर द ओनली बैकबोन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ओनली लगते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओनली लगेगा तो आपको समझ जाना है कि नहीं गलत फंसा रहे हैं आप, क्योंकि सभी पॉलीमर नहीं है ना ऐसे। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ पॉलीमर पर आ जाते हैं कि पॉलीमर के प्रकार कितने हैं। ठीक है, देखें, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ बैकबोन चेन पॉलीमर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू। यदि हम लोग बैकबोन चेन के आधार पर डिवाइड करें तो एक जगह आपको निकल कर क्या रहा, ऑर्गेनिक पॉलीमर जिसमें कार्बनिक तत्व तो ज्यादा होंगे, हाइड्रोकार्बन बैकबोन होगा, और एक में कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स अकार्बनिक बहुलक। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ कर दूं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का अंतर क्या है। मेनली देखिए, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करना साधारण भाषा में कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं सामान्यतया वो अकार्बनिक में करते हैं। यह जरूरी भी नहीं है कि जितने भी तत्वों में कार्बन है वो सब ऑर्गेनिक ही होंगे, उसकी अपनी कुछ क्राइटेरिया होती है। जिसमें आपको एग्जाम्पल बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये कार्बनिक अणु नहीं है, एक्चुअल में ये अकार्बनिक है। वजह क्या है इसकी कि कार्बन के दोनों तरफ जो ऑक्सीजन लगे हुए हैं ये इतने स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कि आसानी से टूटेंगे नहीं, जबकि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक इंट्रैक्शन रखता है, तो इस वजह से ये क्या है, अकार्बनिक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम बहुलकों को उनके बैकबोन चेन के आधार पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ऐसा बैकबोन जिसके अंदर अदर देन कार्बन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, बैकबोन के अंदर मेन स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम इनऑर्गेनिक बोलेंगे, और जिसमें कार्बन होगा वो उसको हम ऑर्गेनिक बोलेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि सर स्पीड मैच नहीं कर पा रही। एक बार थोड़ा फिर से बताइए, क्या मतलब ज्यादा है कम है, या फिर बोल कुछ और रहा हूँ दिखाई कुछ और दे रहा है, क्या स्थिति है, थोड़ा सा मुझे एक बार बताइए प्लीज, क्योंकि सब कुछ तो सही चल रहा है। जितेंद्र जी सभी लोग बताएं मुझे क्या इशू आ रहा है, एक बार मुझे कंफर्म करें, क्योंकि कंटेंट बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। किसी भी टॉपिक पर जाकर क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर सेट करेगा इसके बाहर कुछ पूछा ही नहीं जा सकता है, जल्दी से बताइए मुझे। अच्छा, लिटिल हाइयर स्पीड है, थोड़ी ज़्यादा है स्पीड, फास्ट है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्लो करते हैं इसको, थोड़ा स्लो करते हैं, यही तो मैंने कहा ना, आप लोग बताइए मुझे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर, संश्लेषण का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बनाते हैं लैब के अंदर, प्रयोगशाला में बनाते हैं, संश्लेषण के आधार पर हम उसको बांटते हैं प्राकृतिक और सिंथेटिक, प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक पॉलीमर और संश्लेषित बहुलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉलीमर्स मे बी नेचुरली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और मे बी मैन मेड। तो जो नेचुरली ऑकर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल पॉलीमर्स होंगे, और जो सिंथेटिक होंगे वो इसका मतलब है कि वो मैन मेड है, इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। अच्छा, इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर से सवाल बहुत पूछा जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी कि यदि किसी पॉलीमर को हमने यूज किया और फिर उसको हमने फेंक दिया, उसको हमने कचड़े में फेंक दिया, तो उस कचड़े के अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया हो, फंगस हो, जो बायोलॉजिकली क्या करें उसको डिग्रेड कर सकें, उसको हम नाम दे देते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सवाल इस बात का है कि पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए खराब कौन है, आप लोग आंसर करिए। बायोडिग्रेडेबल इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक ज्यादा है या नॉन बायोडिग्रेडेबल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले पढ़ लीजिए फिर एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, द पॉलीमर्स विच आर डिग्रेडेड एंड डिकेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेड होने का मतलब होता है क्षय होना, क्षरण होना, डीके होने का मतलब धीरे धीरे समाप्त होना, दूसरे पदार्थों में कन्वर्ट होना। यू ऑल नो कि मैटर को हम कभी भी, बहुत बढ़िया, नॉन बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण के लिए खराब है, वेरी गुड। अंजू, मयंक, अपूर्वा, अमरीश, नैन्सी, सरिता, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। समझिए एक बार फिर से, मैं कह रहा हूं कि कोई भी आपने पॉलीमर उठा करके फेंक दिया एनवायरनमेंट के अंदर, वो धीरे धीरे क्या होगा, दूसरे पदार्थों में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि उसका डिग्रेडेशन हो रहा है या वो सब्सटेंस डीके कर रहा है। किसके द्वारा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, इस तरीके से इनको ये क्या करेगा, दूसरे पदार्थों में कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपने फूल, कुछ पुष्प चढ़ा दिए गंगा में, या मान करके कि गंगा पवित्र नदी है, आपने पुष्पांजलि अर्पित की है,
ये पुष्प पानी में जाएंगे, गंगा के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस पुष्प को गैस में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, राइट। सड़ने के बाद ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं आपने फेंक दिया, पॉलीथीन फेंक दिया गंगा में, या पॉलीथीन में रख करके पुष्प आपने अर्पित कर दिए, तो ये पॉलीथीन अब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको बैक्टीरिया कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सो इन दिस मैनर वी कैन क्लासिफाई द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एंड वी ऑल नो द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर क्वाइट हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटेट, जो है आपका बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स क्या होते हैं? तो दीज पॉलीमर्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर्स। एक बात आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, कभी भी पढ़ी होगी, आज फिर पढ़िए, बताता हूँ आपको कि जब भी किसी पदार्थ को आप गर्म करना शुरू करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर स्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी टू द पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे ही मूवमेंट शुरू होगा, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ना शुरू होगी, वो अनस्टेबल होने लगते हैं, अस्थायी होने लगते हैं। लेकिन जो हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स हैं वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं एट हायर टेम्परेचर। कहा जा रहा है कि ड्यू टू देयर हाई मॉलिक्यूलर वेट, उच्च अणु भार के कारण, दीज आर नॉट डिस्ट्रॉयड इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो यदि आपसे सवाल ऐसा पूछ दे कि उच्च ताप पर भी वो क्यों डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, तो आप आंसर करेंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है उसमें हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स आर, कुछ महत्वपूर्ण पॉलीमर्स हैं, जैसे कि पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीथीन है, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण पॉलीमर्स हैं। आइए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर मोनोमर और उनके यूजेज, जहां से सीधा सवाल मिलेगा आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, यतेंद्र सर, सरिता मैडम और जो भी लोग जिनको लग रहा है स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, अभी ठीक है, कुछ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? बिल्कुल, वो हायर रेजिस्टेंट होते हैं हीट का। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और कंफर्म करना चाहूंगा, जैसे माइक्रोवेव पॉट्स का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जो जिन बर्तनों में आप रख करके खाने पीने वाला, जैसे मान लीजिए गुलाब जामुन हो गया, दाल चावल हो गया, कुछ भी आपने रख दिया और माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख दिया गर्म होने के लिए, है ना। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ओवर देयर, आपने नोटिस किया होगा कि ये बर्तन गर्म नहीं होता है ना, बर्तन तो गर्म ही नहीं होता है। यदि मैं बात करूँ आपसे, आपने रखा इस बर्तन में और थोड़ी देर बाद आप माइक्रोवेव से निकाल रहे हैं, तो क्या जितना गर्म ये गुलाब जामुन है, जितना गर्म ये दाल है, जितना गर्म ये समोसा है, जितनी गर्म ये सब्जी है, क्या उतना ही गर्म ये बर्तन है? उतना ही गर्म ये बर्तन है? आंसर होगा कि नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब लगी है, जिस मैग्नेट्रॉन ट्यूब से रेडिएशन जनरेट हो रहा है, जो खाने को गर्म कर रहा है, उसका एक प्रॉपर्टी क्या है कि माइक्रोवेव कैन हीट ओनली टू द पोलर मॉलिक्यूल्स, ओनली टू द पोलर मॉलिक्यूल्स। हाँ भाई बताएं एक बार, अभी चल गया है क्या? ठीक है फाइन, अभी चल गया है क्लास, तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग, बात करते हैं। ठीक है, एक बार कंफर्म करें, वॉइस ऑडिबल है, आवाज़ आ रही है, चल रही है क्लास? जल्दी से, बफरिंग बंद हो गई होगी। हाँ, मुझे कंफर्म करेंगे एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके। मैंने आप लोगों को ये जो बर्तन वाला कॉन्सेप्ट समझाया है, हाँ, कई बार हो जाता है, थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ। जैसे कुछ लोगों का मैंने नेचर देखा है कि जैसे ही बफरिंग शुरू हुई वो तुरंत क्या करते हैं, लीव कर देते हैं क्लास को। भाई बफरिंग शुरू हुई है तो कम से कम 1-2 मिनट तक आप वेट करिए, यदि कोई टेक्निकल एरर होगा तो हम आपको स्पष्ट करेंगे कि क्लास चलेगी कि नहीं, नहीं ऐसे तो कमेंट के माध्यम से करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस आपका जरूरी होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। बर्तन वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, ओके गुड, वेरी गुड। केमिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने समझ लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज पर आइए फटाफट जल्दी से।
Compared to the conventional molecule with different side molecules, the polymer is enabled with hydrogen bonding and ionic bonding, resulting in the better cross linking strength. समझिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए या आयनिक बॉन्ड बन जाए, आयनिक बॉन्ड बन जाए, आयनिक बॉन्ड मतलब बनने का मतलब है उसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। जब पॉजिटिव निगेटिव मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड पर मैं कई दिनों से बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली ज्यादा मजबूत हो जाएगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। यदि किसी पॉलीमर के अंदर, ऐसे आप बात को समझो कि यदि किसी पॉलीमर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि सहसंयोजक बंध बना हुआ है, किसी पॉलीमर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है और किसी पॉलीमर के अंदर आयनिक लिंकेजेस हैं, तो जो आयनिक बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल होगा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे ज्यादा मजबूत होगा हाइड्रोजन बॉन्ड वाला और सबसे अधिक होगा आयनिक वाला। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग साइड चेन इनेबल द पॉलीमर फॉर हाई फ्लेक्सिबिलिटी। चूंकि डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन है वो हाई फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, बस आपको इतना याद रखना और कुछ भी नहीं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर लें तो यहां से देखिए, ये छोड़ ही दीजिए, आप इसको ना देखिए, आज तक कभी पूछा नहीं गया। स्पेशली ये पूछ सकते हैं तो कहां पर, सीडीएस के अंदर पूछ सकते हैं और कहीं नहीं पूछेंगे। यदि आप लोगों में से कोई सीडीएस का एग्जाम देना चाहता हो तो मैं थोड़ा सा उसके लिए एक मिनट बता देता हूँ कि ड्यू टू देयर रिएक्टिव इंडेक्स विद टेम्परेचर एज इन केस ऑफ पीएमएमए एंड एचपीएमए एमएमए दे आर यूज्ड इन लेजर फॉर एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एनालिटिकल एप्लीकेशन। अब यहां पर आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, वो क्या, कि जो लेजर्स होते हैं या स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जिनका यूज होता है वो किस टाइप के पॉलीमर होते हैं। तो आंसर होगा वो ऑप्टिकल पॉलीमर होते हैं। बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी या लेजर में यूज होने वाले जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल पॉलीमर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मुझे लगता है कि यदि आप एस्पिरेंट हैं, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है कभी भी लाइफ के अंदर, तो मुझे यह बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अब जो स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा ही आपसे यही जाता है कि कौन सा पॉलीमर है, उसका क्या मोनोमर है और उसका क्या यूजेज है ना। आगे बढ़े हम लोग, देखिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलीप्रोपीन की। अच्छा, जब भी आपसे मोनोमर पूछा जाए तो आपको मैंने शुरू में बता दिया है कि इसी पॉलीमर की एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। जब इसके आगे यहां पर पॉली लग गया, पॉली, तो इसका मतलब है कि अब इसके आगे जो लिखा हुआ है प्रोपीन, यही इसका मोनोमर हो जाएगा। तो कोई पूछे कि पॉलीप्रोपीन का मोनोमर क्या होगा, तो आंख बंद करके बता सकते हैं भैया प्रोपीन होगा, नाम से ही क्लियर है। यूज क्या होगा, तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रोप्स, रस्सियां जो बनाते हैं, ट्वाइज, पाइप्स, फाइबर्स। अब महत्वपूर्ण चीज है, पॉलीप्रोपीन से क्या बनती हैं, रस्सियां बनती हैं, खिलौने बनते हैं, पाइप्स बनती हैं, फाइबर्स बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉलीस्टाइरीन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टाइरीन एंड एज इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स, ये सब स्टाइरीन से बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर वही मोनोमर बताने की जरूरत नहीं है, विनाइल क्लोराइड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेनकोट, जो आप बरसात से बचने के लिए रेनकोट का यूज करते हैं वो पॉलीविनाइल से बनते हैं। हैंड बैग्स, बहुत सारे हाथ में लेकर के जो बैग घूमते हैं, विनाइल फ्लोरिंग कराई जाती है, विनाइल फ्लोरिंग करते हैं लोग। वाटर पाइप जो बनाते हैं, पीवीसी पाइप जिसे आप कहते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ये सब आप एग्जांपल हैं पीवीसी के। ग्लिप्टॉल, अगेन एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बहुत सारे लोग ग्लिप्टॉल के बारे में जानते ही नहीं है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा कि ग्लिप्टॉल क्या होता है। तो इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड, ये दोनों इसके मोनोमर है, मतलब यहाँ पर दोनों को ऐड किया जाएगा। ग्लिप्टॉल क्या है, एक पॉलीमर है, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड इसका मोनोमर है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड लिक्विड्स, मतलब पेंट की मैन्युफैक्चरिंग में, पेंट के उत्पादन में किसका यूज होता है, ग्लिप्टॉल का।
ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, अलग से नोट कर लीजिएगा, यदि आपको लगता है भूल जाएगा तो। पेंट के मैन्युफैक्चरिंग में ग्लिप्टल का यूज होता है। फिर बात कर लेते हैं बेकेलाइट, अगेन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आएगा एग्जाम के अंदर, ये अक्सर ही आता रहता है। फिनॉल एक मॉलिक्यूल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिला करके क्या बनाते हैं? बेकेलाइट। फॉर मेकिंग कॉम्स, जो कंघियां बनती हैं, बहुत मजबूत प्लास्टिक होता है, आपने देखा होगा। इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनते हैं, जो मैंने आपको बताया बोर्ड स्विच में, जो कुकर कढ़ाई के हैंडल हैं, जिसको पकड़ करके आप गर्म से गर्म कढ़ाई को उतार के रख देते हो, जो फाइबर का हैंडल लगा होता है, जिसको पकड़ने पर आपका हाथ नहीं जलता है, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स जिसे आप कहते हैं, कंप्यूटर डिस्क जिसे आप कहते हैं, जो कंप्यूटर का कैबिनेट वगैरह बनता है। समझ में आ रही बात है? एक बार मुझे कंफर्म करें, ग्लिप्टल और बेकेलाइट, ग्लिप्टल और बेकेलाइट, ये दो क्लियर है? इस पर सवाल बनेगा, इसलिए मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीमर फिर आपके सामने है, मोनोमर है, यूज़ है क्या? रबर। यहाँ पर एक काम करिएगा, जैसे यहाँ पर हमने रबर लिख दिया है, तो सामान्यतः यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये नेचुरल रबर है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन, इससे हम टायर बना लेते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स बना लेते हैं। सिंथेटिक रबर होता तो नियोप्रीन होता। यदि सिंथेटिक रबर के बारे में पूछ लिया जाए कि संश्लेषित रबर, तो सिंथेटिक रबर यदि पूछा जाए तो आप आंसर करिएगा नियोप्रीन। यहाँ पर आप आंसर करिएगा नियोप्रीन, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, टेफ्लॉन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों के घरों में बर्तन होगा नॉन स्टिक, नॉन स्टिक बर्तन में आपने खाने बनाए होंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप प्रॉपरली नॉन स्टिक बर्तनों में खाना बना लीजिए, तो नॉर्मल बर्तनों में बनाने में आपको बड़ी परेशानी होगी। बार बार सब्जियां नीचे से पकड़ लेती हैं, जलने लगती हैं। आलू की सब्जी बनाओ, पता चला कि आलू नीचे से पकड़ लिया, जल गया, परेशान हो जाते हैं आपके, अरे यार सब्जी जल गई। टेफ्लान का बर्तन होगा तो जलेगा नहीं, मतलब नॉन स्टिक कोटिंग रहती है ना इनके अंदर, तो चिपकेगा नहीं, ये सब्जियां चिपकेंगी नहीं उस पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आता है, टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, एक्चुअली इथेन भी कहते थे लेकिन इथाइलीन इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। तो यहां पर करेक्ट करेगा टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन। इसको हम फ्लोरिनेटेड मोनोमर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का यूज हुआ है, तो फ्लोरिनेटेड मोनोमर होता है टेफ्लॉन के अंदर। याद रखेंगे इसको नॉन स्टिक बर्तनों के लिए। कुछ कमेंट करते रहे, हाँ डोसा बना रहे हैं आप लोग, चीला बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोगों में कोई ऐसा भी है जो नहीं जानता है कि चीला क्या होता है? डोसा तो चलिए जान रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है जो चीला ना जानते हो, एक बार कमेंट करिए देखें। हाँ आगे बढ़ते हैं, टेरिलीन, टेरिलीन ठीक है ना, टेरिलीन पर देखिए, टेरिलीन आपका फैब्रिक में यूज होता है, इथाइलीन ग्लाइकॉल होता है, और इसमें आपका टेरिप्थैलिक एसिड होता है। फिर नाइलॉन 6, कैप्रोलैक्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करना इसको। कैप्रोलैक्टम पर कई बार सवाल पूछेंगे, जैसे ग्लिप्टल हुआ, कैप्रोलैक्टम हुआ, इन पर हर बार एक दो सवाल बना देते हैं घुमा फिरा करके। क्या बात है, हाँ देखिए मैडम, यदि हम लोग बात करें हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं होता है, तो उसका एक कारण समझिए, मैं बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूं। देर इज नो डाउट एनी सिंथेटिक केमिकल आर लिटिल बिट आर मोस्टली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ, बट अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप नॉन स्टिक बर्तन में खाना बनाएं तो लकड़ी के चम्मच का यूज करें। अब दिक्कत क्या है, नॉन स्टिक कढ़ाई ले आए 800 रुपए की खरीद करके, लेकिन 100 रुपए का लकड़ी का चमचा नहीं खरीदा, इसलिए कि अरे छोड़ो घर पे है नहीं वो स्टील वाला, और यहाँ पे आदत तो वही पड़ी थी कि उसको लेकर के रगड़े जा रहे हैं, जब सब्जी जल रही थी उसको छुड़ा छुड़ा के सब्जी बना रहे हैं, ये तो आदत पड़ी ना ह्यूमन, नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे आलू जला भी नहीं था अभी ठीक से, पकड़ा भी नहीं था नीचे, लेकिन उसी स्टील वाले चम्मच से यहाँ पर रगड़ रगड़ के उसको पलट रहे हैं। तो जब स्टील वाले चम्मच से रगड़ रगड़ के पलट रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे टेफ्लान पार्टिकल्स जो हैं सब्जी में आपके आ जा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट ना, सरफेस गेट स्ट्रैप, बिल्कुल। अब वही चीज जब खाएंगे तो हो सकता है कि वो कहीं लीवर में या फिर कहीं पेट में, कहीं पॉइंट में कहीं फंसे, एक्सक्रीट ना हो तो समस्या क्रिएट कर सकता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट तो होना नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी चीज का यूज यदि आप करते हैं तो प्रॉपर यूज करिए। मतलब गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए खलीस बिहाब पर कि एक बार चलाया था भैया की गाड़ी, और पता चला ले जाकर ठोक दिए कहीं पे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। नाइलॉन 6, कैप्रोलैक्टम महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, फैब्रिकेशन में काम आता है। और कुछ बात कर लेते हैं, कुछ यूजेज और हैं पॉलीमर्स के, जैसे पॉलीप्रोपीन के बारे में आपको बता दिया है ना,
टेक्सटाइल, पैकेजिंग, सैनिटरी, प्लास्टिक, एयरक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन, रोप, ट्वाइस, पॉलीप्रोपीन बहुत महत्वपूर्ण। आगे बढ़ लीजिए। पॉलीस्टाइरीन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लास्टिक एक्टिवली यूज इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री। पॉलीस्टाइरीन यूज होता है पैकेजिंग इंडस्ट्री में। आगे बढ़ लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीवेज पाइप। सीवेज पाइप के अंदर पीवीसी का यूज होता है। ग्लिप्टर बता दिया, पेंट कोटिंग एंड लीकर्स वगैरह में। बेकलाइट बता दिया, ज्वेलरी, टॉयज, फायर आर्म्स और किचन और स्विचेज और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में काम आता है। ये हो गया पूरा पॉलीमर। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको समझ लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा, फिर हम लोग फ्यूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, प्रोटीन भी एक पॉलीमर है। किसका? एमिनो एसिड का। और सारे के सारे एमिनो एसिड्स जो हैं अल्टीमेटली किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स में। कल पढ़ाया था आप लोगों को, नेचुरल पॉलीमर है। सिल्क जो है, रेशम, किससे बना है? प्रोटीन से बना है, तो ये भी एक पॉलीमर है। यदि मैं आपसे बात करूं कि कॉटन, तो कॉटन भी एक पॉलीमर है। किससे बना है? सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं। और सेलुलोज किससे बना है? ग्लूकोज से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, बेसिक यूनिट ग्लूकोज होती है। अब यहां पर यदि आपसे कोई पूछ दे कि स्टार्च क्या है, तो स्टार्च एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है, क्योंकि अल्टीमेटली किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा, तो ग्लूकोज का पॉलीमर है स्टार्च, या स्टार्च का मोनोमर है ग्लूकोज। अंतर क्या है कि स्टार्च हुआ, चाहे सिल्क हुआ, चाहे प्रोटीन हुआ, चाहे कॉटन हुआ, सेलुलोज हुआ, ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं? नेचर में पाए जा रहे हैं। तो दीज ऑल आर नोन एज द नेचुरल पॉलीमर, एंड इफ दे आर नेचुरल देन इट विल बी बायोडिग्रेडेबल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बड़ी ही अच्छे से सवाल पूछूं, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है कि आपके सामने स्टार्च है, आपके सामने सिल्क है, आपके सामने कॉटन है और आपके सामने पीवीसी है, इसमें से कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है? स्टार्च, सिल्क, कॉटन, पीवीसी, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन है? तो क्या आंसर होगा? आंसर बताइए, क्या आंसर होगा भाई? क्या आंसर होगा? पीवीसी। बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि ये सब क्या है? पॉलीमर्स है, नेचुरल पॉलीमर्स है। अब मुझे कंफर्म करिए कि क्या अभी भी पॉलीमर्स को लेकर के कोई डाउट किसी के मन में चल रहा है? एनीवन? जो इंपॉर्टेंट है, कैप्रोलैक्टम है, ग्लिप्टल है, टेफ्लॉन है, बेकेलाइट है, इन सब पे आपको फोकस रखना है। बाकी एक दो बार रिवाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़े हम लोग, बहुत बढ़िया, फ्यूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्यूल, ईंधन, एक सवाल तो बनता ही बनता है। तो अब सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट कैन सप्लाई एनर्जी आइदर एलोन और बाय रिएक्टिंग विथ एन अदर सब्सटेंस इज नोन एज फ्यूल। कोई भी एक पदार्थ जो ऊर्जा दे सकता है अकेले। ऊन, ऊन किससे? प्रोटीन से बना है, कल ही तो बताया था ना, ऊन हुआ, केराटिन होता है ना, कल बताया तो था। मैं जी कल क्लास में नहीं थे क्या? याद करिए, कल की क्लास में बताया था कि जो ऊन होता है वो प्रोटीन से बना हुआ है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड से बना हुआ है, कल ही तो समझाए थे ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। जो लोग हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं, उनको, उनके लिए विशेष हमारा अनुरोध उनसे है कि वो रोज देखा करें, यदि उन्हें वास्तविक में कोई मॉड्यूल फिनिश करना है। जैसे आप चाहते हैं कि आपका साइंस का टेंशन खत्म हो जाए, तो अगले 10 दिन हमारे साथ रहिए, खत्म हो जाएगा टेंशन। एक दिन हमारे साथ रहेंगे, एक दिन किसी और टीचर के क्लास में चले गए, एक दिन किसी और टीचर के क्लास में चले गए, तो ना तो उसका आप पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, ना तो हमारा कोर्स आप पूरा पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही मैं एक और आपको अच्छी बात बता दे रहा हूँ कि जो लोग आरओ मेंस की तैयारी करना चाहते थे, यूपी आरओ, जो अभी प्रीलिम्स जिसका रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, उनके लिए अब अनअकैडमी यूट्यूब ऐप पर फ्री क्लास शुरू की जा रही है, तो आप वहां पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। वो कोर्स में हमारा एक मॉड्यूल है साइंस का, वहां पर भी आप साइंस हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ओके, वेरी गुड। बात करते हैं हम लोग कि कोई भी सब्सटेंस जो अकेले ऊर्जा देते हैं या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। और यहां पर जिस ऊर्जा की हम बात करेंगे, मेनली वी विल टॉक अबाउट द हीट एनर्जी। ठीक है, मेनली वी विल टॉक अबाउट द हीट एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल इज मेजर्ड इन कैलोरी। जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम कैलोरी में मेजर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए, ये समझना आपके लिए जरूरी है, और इस पर सवाल आपसे आएगा तो दो तीन पॉइंट में आएगा, और ऑल ऑफ द अबव, या जैसे मान लो जी बिहार पीएससी में आ गया, बीपीएससी में, तो उसमें आ जाएगा कि इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर सही है, इस टाइप वाला, या स्टेटमेंट देकर सवाल आ जाएगा। तो
तो व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल? फर्स्ट, हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब जब आप उस ईंधन को जलाएं तो आपको उच्च कैलोरी मान मिले. व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू? किसी सब्सटेंस के यूनिट मास के जलने से, बर्न होने से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल, 1 लीटर आपने पेट्रोल लिया है, 1 लीटर, 1 किलो आपने लकड़ी लिया है, 1 किलो आपने कोयला लिया, 1 किलो आपने पेपर लिया, आपने चारों को जलाया, तो जिसमें आपको सबसे अधिक ऊर्जा मिली उसको आप कह सकते हैं कि वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है. दूसरा, केवल कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होना ही एक विकल्प नहीं आदर्श ईंधन के लिए. उसका दूसरा पहलू यह है कि बी चीप, वह सस्ता हो ताकि वह गरीबों तक आसानी से पहुंच सके, और दूसरा कि इजिली अवेलेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोजन बहुत बढ़िया फ्यूल है, हाइड्रोजन बहुत बढ़िया फ्यूल है, इसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन भी नहीं होता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू है और बहुत बढ़िया है, लेकिन हाइड्रोजन 1 लाख रुपए लीटर बिकेगा, तो आप कहेंगे कि सर आप अपना हाइड्रोजन अपने पास ही रखो, हमें नहीं जरूरत है, हमारा काम डीजल पेट्रोल से चल रहा है, हम चला लेंगे काम, तो भी बहुत महंगा हो जाएगा. अच्छा, बोल दें कि चलो 2 रुपए लीटर मिलेगा, लेकिन मंगल ग्रह पे जाके ले आना है, मार्स पर अवेलेबल है, इंडिया नहीं, पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर कहेंगे कि मार्स पर है तो मार्स को मुबारक हो, हमारे किस काम का है. मतलब कहने का क्या है कि ईंधन सस्ता होना चाहिए और ईंधन आसानी से उपलब्ध होना चाहिए. अगली बात देखिए, बी इजिली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट, इजिली स्टोर किया जा सके उसको और ट्रांसपोर्ट भी आसानी से किया जा सके, ये भी एक बड़ा मैटर है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल, मतलब उसको आसानी से रेगुलेट किया जा सके, आसानी से कंट्रोल किया जा सके. हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, कम प्रज्वलन तापमान हो, ऐसा ना हो कि खुद ही ब्लास्ट कर जाए, घर में रखे हैं भर के हाइड्रोजन सिलेंडर, पता चला अचानक से धमाका हो गया, उड़ गया पूरा गांव, उड़ गया पूरा कॉलोनी, उड़ गई, ऐसा ना हो भाई. ये सब एक विशिष्ट ईंधन की क्वालिटी होती है. मुझे कंफर्म करिए, पॉइंट समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें. अब जानते हैं भविष्य के ईंधन के रूप में हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज यही है कि जिस हाइड्रोजन को हम भविष्य के ईंधन के रूप में देख रहे हैं ना, वो हमें ले आना पड़ेगा हीलियम के फॉर्म में, स्पेस से, अंतरिक्ष में स्थित जो डार्क एनर्जी या डार्क मैटर जिसे हम कहते हैं, एक्चुअली उसको हमें लाना पड़ेगा. आप पढ़ते हैं कि चांद के वायुमंडल में ये फला फला हीलियम गैसें हैं, ऐसी हैं, वो हीलियम गैसों को हमें अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाना पड़ेगा. इट्स अ मेजर चैलेंज कि कैसे लेकर के आए, पाइपलाइन लगाना पड़ेगा या फिर चांद से कहना पड़ेगा कि भाई कुछ भेज दीजिए, ऐसे तो आएगा नहीं अपने मन से ना, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिनो पार्टिकल पर काम करना पड़ेगा, और वो काम करना हमने शुरू कर दिया है. ठीक है ना, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी. भविष्य का ऊर्जा हाइड्रोजन है, क्यों? इतना क्लीन है, कहीं कुछ ना कार्बन डाइऑक्साइड है, ना कार्बन मोनोऑक्साइड है, ना नाइट्रोजन है, ना सल्फर है, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनर्जी है और वाटर है. समझ पा रहे ना मेरी बात को? हाँ, तो समझ में आ रही होगी बात. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यही वो न्यूट्रिनो कण है जो जाएंगे पृथ्वी से और हाइड्रोजन को स्पेस से ले आएंगे और पृथ्वी पर बने हुए कंटेनर्स में छोड़ेंगे. इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड वी आर डूइंग द रिसर्च. वेयर, कहाँ पर इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है? 2015 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था न्यूट्रिनो पार्टिकल के रिसर्च पर, थेनी डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है. कहाँ पर? तमिलनाडु में, यदि आप लोगों को याद हो तो. आगे बढ़ते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू पर बात कर लेते हैं. इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कम्बशन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल आर एयर ऑक्सीजन. पहले बता दिया है कि ऑक्सीजन के साथ जल करके कोई भी ईंधन एक यूनिट मास में जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. मुझे लगता है थक गए होंगे आप लोग थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत परेशान हो रहे होंगे. नहीं, थकना नहीं भाई, रुकना नहीं है. देखिए, यदि थक जाएंगे, रुक जाएंगे, तो फिर स्वामी विवेकानंद का जो युवा भारत का सपना है वो डाइल्यूट हो जाएगा, विलीन हो जाएगा वो. इसीलिए युवाओं में शक्ति है, एंड यू आर ऑल यूथ, सो यू मस्ट हैव मेंटेन योर एनर्जी. आगे बढ़ते हैं, इकाई हमने बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू की इकाई होती है किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, याद रखिएगा. और ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU, तो कई बार प्रारंभिक परीक्षा में जैसे BPSC का बड़ा फेवरेट रहा है, ये UPSC में कई बार पूछ लिया है कि 1 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब कितने BTU के बराबर होता है, कितने BTU पर फिट क्यूब के बराबर होता है, तो 0.107 BTU पर फीट क्यूब के बराबर होता है. तो सिर्फ डेटा है, याद रखना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे बढ़ते हैं, फ्यूल्स को आप जानते हैं कि हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं. लकड़ी ठोस होती है, कोयला ठोस होता है, केरोसिन ऑयल लिक्विड होता है, पेट्रोलियम अल्कोहल लिक्विड होता है, अल्कोहल भी है, ध्यान दीजिएगा अल्कोहल भी फ्यूल होता है ना, अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को, अल्कोहल फ्यूल होता है. सर आज फास्ट है बट नॉट मोर टायर्ड, मुझे नहीं लग रहा है कि फास्ट चल रहा है, पता नहीं सरिता मैडम,
इससे ज़्यादा स्लो करेंगे तो कुछ लोग बोर हो जाते हैं फिर, मुझे लगता है। बाकी लोग मुझे एक बार कंफर्म करें कि अभी भी फास्ट स्पीड चल रही है क्या। ये सब देखा हुआ चीज़ आप लोगों का ना, मतलब आप लोगों ने देखा है। लकड़ी कोयला नहीं देखा, किसने नहीं देखा लकड़ी कोयला? सबने देखा होगा, केरोसिन, पेट्रोलियम, एल्कोहल भी आप देखते हैं, अक्सर ही देखते हैं, है ना। उसके बाद से फिर वाटर गैस आपका है, प्रोड्यूसर गैस है, कोल गैस है, ऑयल गैस है, नेचुरल गैस है, गोबर गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, पीएनजी है, सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, क्या एक्सप्लेनेशन है, आज से मजा ही आ गया। मुझे तब से ये लग रहा है कि मैं फास्ट हूं। अच्छा, आप लोगों का फास्ट है, ओहो, बधाई हो आप लोगों को। करवा चौथ की ढेर सारी बधाई हो, मैं भूल ही गया था कि आज करवा चौथ भी है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा आप लोगों का फास्ट है। चलिए एंड करते हैं जल्दी से, है ना। अच्छा याद दिलाया आपने। इसी में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं, वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि चलो अगले ही साल होगी तो क्या तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आपका फास्ट है, जल्दी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए तो कहा जा रहा है कि वाटर गैस को एक काम करिए, चलिए इसी बात पर हम क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। ये वाली फ्यूल वाली स्लाइड हम कल की क्लास में इंसर्ट कर लेंगे, जितनी बची हुई है, अभी बहुत बची। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बचा है। वाटर गैस के बाद प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, ऑयल गैस, गोबर गैस, नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी में कंपेरिजन करना होगा, नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर पढ़ना होगा, एंटी नॉक कंपाउंड पढ़ना होगा, सीटेन नंबर पढ़ना होगा, फ्लैश पॉइंट पढ़ना होगा, कोल पढ़ना होगा आपको, तब जाके खत्म होगा, ठीक है ना। तो चलिए 4, 5, 6 स्लाइड जो भी हैं कल हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्लस पर जो लोग नहीं हैं, एक बार प्लीज़ ट्राई टू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आफ्टर दिवाली मेरी क्लास का। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।